नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक आज नया टॉपिक BHMS कोर्स के रिलेटेड में लेके आया हूँ। मेरा एक वीडियो है यूट्यूब में, BHMS वर्सेस BAMS, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी वर्सेस बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें कौन सा बेटर है, क्या स्कोप है, कौन सा करना चाहिए और कौन सा करने से किसी भी स्टूडेंट का करियर में ज्यादा स्कोप आएगा, इसके बारे में है। तो वो वीडियो बनाने के बाद मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ चुका है आज तक व्हाट्सएप में और कमेंट्स में भी आ चुका है कि व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ BHMS, व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ आफ्टर BHMS। ज्यादातर क्वेरी मेरे पास जो आए हैं, प्रश्न ज्यादातर सारा भारत से मेरे पास जो आए हैं, सब इसी के बारे में है कि आफ्टर पासिंग BHMS जॉब मिलेगा कि नहीं और सैलरी मिलेगा कि नहीं। तो मैं पहले आपको आज बताना चाहता हूं आफ्टर पासिंग BHMS आपका एडुकेशनल फील्ड में क्या क्या स्कोप है हायर स्टडीज का और जॉब रिलेटेड क्या क्या स्कोप है, ये सब मैं बताना चाहता हूं। तो पहले मैं आपको जॉब एडुकेशन रिलेटेड क्या क्या स्कोप है ये सुन लेते हैं। BHMS एक ग्रेजुएट डिग्री है, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो किसी भी भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिलेगी। ये इक्विवेलेंट टू ऑल डिग्रीज ऑफ, जैसे MBBS हुआ, BAMS हुआ, कोई भी नॉर्मल टेक्निकल या नॉन टेक्निकल डिग्री हुआ, इसके पैरेलल है। तो इसके बाद मास्टर डिग्री जो होता है हम लोगों में मेडिकल साइंस में, वो है MD। तो आफ्टर पासिंग BHMS कोई भी कैंडिडेट, कोई भी BHMS लड़का या लड़की MD कर सकता है। उसमें भी प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं। उसका भी एंट्रेंस ऑल ओवर द इंडिया बेसिस होता है और मैनेजमेंट कोटा भी है, गवर्नमेंट कोटा भी है, स्पॉन्सर्ड कोटा भी है, सभी है। तो MD अगर आप लोग करना चाहते हैं होम्योपैथी में, तो होम्योपैथी के जो चार कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो दो सब्जेक्ट्स विच बिलोंग्स टू कोर होम्योपैथी, जैसे मेट्रिया मेडिका, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, फार्मासी एंड होम्योपैथिक रिपर्टरी, होम्योपैथिक फार्मासी, तो ये चार में आप लोग MD कर सकते हैं। उसके बाद आता है एलाइड सब्जेक्ट में, जैसे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन में MD, पीडियाट्रिक्स मतलब चाइल्ड स्पेशलाइजेशन में MD, साइकियाट्रिक जो मनोरोग विशेषज्ञ है उनके जैसा, साइकियाट्रिक्स में MD एंड गायनेकोलॉजी में MD। ये सब्जेक्ट में आप होम्योपैथी में भी MD कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कोई गायनेकोलॉजी में MD कर लिया या साइकियाट्री में MD कर लिया तो उसका एलोपैथिक जो MD गायनेकोलॉजी और साइकियाट्रिस्ट है उनके जैसा मेडिसिन देने का पावर आ गया। हम लोगों में होम्योपैथी में MD करने के बाद, इसका हायर स्टडी के बाद आपको होम्योपैथी मेडिसिन देने का ही राइट आता है, एलोपैथी देने का आ जाता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये सुपर स्पेशलाइजेशन है। इसके बाद आज रिसेंट 5 to 10 ईयर्स में होम्योपैथी में PhD प्रोग्राम भी, डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी ऑफ दैट सब्जेक्ट पर्टिकुलर रिसर्च में, ये सब भी आ चुका है। जो राजस्थान में होम्योपैथी यूनिवर्सिटी बना है उसमें भी है, कर्नाटका का जो हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल का हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी, हर हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी में या होम्योपैथी यूनिवर्सिटी में PhD का ऑप्शन और करियर है। तो इसके बाद हम लोगों का आता है कि ये सब जो पढ़ाई है, ये जो डिग्रीज है, इसको इनकैश कैसे करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। पहले तो दोस्तों आपको ये समझ लेना चाहिए कि आफ्टर पासिंग BHMS यू आर एलिजिबल टू सीट इन ए पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन PSC और UPSC एग्जाम्स फॉर होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर, जनरल होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर, जिसका सैलरी नॉर्मल मेडिकल ऑफिसर जो एलोपैथी वाला होता है उसको MO बोलता है, मेडिकल ऑफिसर, उसके जैसा ही है होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर। हर स्टेट में अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन या हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो अपना हर साल का रिक्रूटमेंट होता है उसके हिसाब से होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर परमानेंट पोस्ट में इक्वल पे सैलरी ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स लाइक एलोपैथी, इसका रिक्रूटमेंट होता है। हर साल एग्जामिनेशन होता है, कहीं कहीं स्टेट में तो कहीं कहीं साल बाद होता है, लेकिन होता है। जैसे वेस्ट बंगाल में नियर अबाउट 600 पोस्ट है, लेकिन कुछ सालों से एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन जब भी होगा 200 या 250 या 150 पोस्ट के लिए होगा। ये परमानेंट पोस्ट है, इसका इक्विवेलेंट सैलरी MBBS के जैसा है और इसका फ्यूचर अच्छा है, स्टेबल फ्यूचर है। उसके बाद आता है UPSC, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पे स्केल है, हमेशा स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा रहता है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से, तो उससे
उसमें भी होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट रन जितने भी हॉस्पिटल्स हैं ऑल ओवर द इंडिया उसमें के लिए, उसके लिए यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है। इसके बाद आता है होम्योपैथिक रिसर्च ऑफिसर या होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर अंडर सीसीआरएच, इसका भी बहुत सारे पोस्ट है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी सीसीआरएच, इसका खुद का वेबसाइट है, आप गूगल में सीसीआरएच टाइप करने से आपको मिल जाएगा। सीसीआरएच का जितना भी पोस्ट है, जितना भी आपका उनका रिसर्च यूनिट है, क्लिनिकल रिसर्च यूनिट बोला जाता है, ऑल ओवर द इंडिया में बहुत सारे हैं, तो वहां पे भी मेडिकल ऑफिसर कॉन्ट्रेक्चुअल और परमानेंट पोस्ट में लिया जाता है, उसका भी सैलरी अच्छा है, लेकिन उसके लिए मेडिकल ऑफिसर जनरल ड्यूटी के लिए लिया जाता है बीएचएमएस, और मेडिकल ऑफिसर रिसर्च मेडिकल ऑफिसर के लिए लिया जाता है, रिसर्च ऑफिसर के लिए एमडी डिग्री, जो होम्योपैथी में एमडी किसी भी एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, टू ईयर क्लिनिकल अलोंग विथ टू ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस। इसके बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट सेक्टर में हायर आता है वो है प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर डेमोन्स्ट्रेटर इन होम्योपैथिक कॉलेजेस प्राइवेट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का आपका यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी के हिसाब से जो स्टेट में अगर रिक्रूटमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट रन कॉलेज है तो पीएससी से होता है रिक्रूटमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट रन जो कॉलेजेस है जैसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ होम्योपैथी इन कलकत्ता, उसका यूपीएससी से रिक्रूटमेंट होता है फॉर प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी पोस्ट में। इसका भी एकदम पे स्केल हर पोस्ट में, जितना भी अभी तक मैंने आपको बताया, हर पोस्ट में नॉर्मल जो एलोपैथी में एक डॉक्टर को मिलता है उसी सेम पोस्ट में सब इक्वल पे है। इसके बाद आता है होम्योपैथिक एडुकेशनल सर्विस। होम्योपैथिक एडुकेशनल सर्विस किसी किसी स्टेट में लागू हुआ है, कोई हम लोगों का वेस्ट बंगाल में है, बहुत सारा जगह पे नहीं है, कि होम्योपैथी एडुकेशनल सर्विस के अंडर में एक एग्जाम होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन उस स्टेट का लेता है, उससे भी प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या डेमोन्स्ट्रेटर के हिसाब से किसी भी कॉलेज में आप जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात आपको गौर करना चाहिए कि होम्योपैथी कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, आपको एक्सेप्ट देन डेमोन्स्ट्रेटर असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर आप घुसना चाहते हैं, कभी कभी डेमोन्स्ट्रेटर में भी आपको एमडी मिनिमम होना चाहिए, एमडी के बिना आप किसी भी कॉलेज का प्रोफेसर या कोई भी बन नहीं सकते, डेमोन्स्ट्रेटर या लेक्चरर कभी कभी एक्सेप्ट करता है। इसके बाद आता है प्राइवेट होम्योपैथी कॉलेजेस में आफ्टर पासिंग बीएचएमएस या एमडी आप डेमोन्स्ट्रेटर या कोई भी जैसे गवर्नमेंट कॉलेज आप गवर्नमेंट कॉलेज का एंट्रेंस देके आपको जॉब लेना है ऐसा नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस में सेल्फ रिक्रूटमेंट होता है, अच्छा खासा सैलरी भी है, वो कोई भी कर सकता है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं आपका इंडिया में हर स्टेट में है, वहां पे आप आफ्टर पासिंग एमडी या बीएचएमएस कुछ भी जॉब आपको मिल सकता है। इसके बाद दो मतलब हम लोगों का क्या हुआ, एमडी करने का जरूरत होम्योपैथी में क्यों है, अगर कोई एडुकेशनल लाइन में जाना चाहे तो, और प्रैक्टिस भी आजकल एमडी जो है किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में बड़े शहरों में अच्छा चल रहा है, लेकिन गांव में थोड़ा अभी उतना होम्योपैथी गांव या छोटा शहर जो भारत के हैं वहां पे एमडी का जो होम्योपैथी में एमडी का वैल्यू अभी ज्यादातर आदमी को ले ही पाता, उसमें थोड़ा अभी टाइम लगेगा, लेकिन बड़े शहर जैसे बैंगलोर हो गया, कलकत्ता हो गया, आपका दिल्ली हो गया या गुवाहाटी हो गया, हैदराबाद, चेन्नई, यहाँ पे एमडी होम्योपैथी डॉक्टर लोगों का प्राइवेट प्रैक्टिस जो किसी भी जॉब में नहीं है अच्छा है, बहुत अच्छा है, और डॉक्टर पेशेंट लोग को मालूम भी है, नेट में सर्च करके भी देखते हैं, तो एमडी करने से प्रैक्टिस में भी फायदा रहता है, और एक ही साथ में करने से फायदा रहता है। अगर कोई सोचे कि बीएचएमएस के बाद मैं थोड़ा जॉब करके पैसा कमा लूंगा उसके बाद करूंगा, तो ये थिंकिंग गलत है, इसमें आपका बहुत टफ टाइम लग जाता है, क्योंकि एमडी एक रेगुलर कोर्स है होम्योपैथी में, इसको आपको 3 साल 2 साल एकदम क्लिनिकल क्लासेस प्रोजेक्ट वर्क हॉस्पिटल वर्क इसके बाद इंटर्नशिप करके आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज से आपको निकलना है, इसके लिए आप विथ जॉब आप जॉब में रह के आप कर नहीं सकते, या प्रैक्टिस में रह के भी करना बहुत टफ हो जाता है। इसके बाद एक कोर्स आता है एकदम लेटेस्ट कोर्स, कुछ ही साल हुआ इंडिया में चालू हुआ, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। एक्चुअली मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ जो एमपीएच कोर्स है ये पहले भी होता था हम लोगों के देश में, लेकिन एलोपैथी डॉक्टर लोगों को एमबीबीएस लोगों को एंट्री था, होम्योपैथी या आयुर्वेदी लोगों को एंट्री नहीं था। तो होम्योपैथी और आयुर्वेदी लोगों के लिए या कोई किसी भी या नर्सिंग ग्रेजुएट कोई भी आयुष ग्रेजुएट और नर्सिंग ग्रेजुएट के लिए एमपीएच का द्वार खुल दिया है, प्राइवेट जितना भी यूनिवर्सिटी है जो मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ ऑफर करते हैं वहां से आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट में अभी भी एमबीबीएस के लिए ही है खाली, बीएचएमएस के लिए नहीं है। तो प्राइवेट किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ करने के बाद आपको बहुत सारे जॉब के अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं, क्योंकि हर हॉस्पिटल बड़ा जो है
बड़ा सा हॉस्पिटल हुआ, नर्सिंग होम हुआ, कहीं पे भी प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट लिया जाता है, उसमें अच्छा सैलरी आता है, मैनेजरियल पोस्ट है प्राइवेट सेक्टर में। और गवर्नमेंट सेक्टर में जो है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है जनरली, उसमें सैलरी बहुत अच्छा है, वहां पे आपको दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, सच एज डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट ऑफ नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट ऑफ नेशनल वेक्टर बोन डिजीज प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट ऑफ एवरीथिंग पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्रोग्राम में भारत के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी सीएचओ चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ या सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ हम लोग को वेस्ट बंगाल में बोला जाता है, वहां पे भी आपका ये पोस्ट है। और इसके अंदर में एक एनएचएम जो है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में एक पोस्ट आता है आरबीएस के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसका भी मेडिकल ऑफिसर हर पोस्ट में बहुत सारे हैं, हमारे वेस्ट बंगाल में 1600 है, मैं भी एक आरबीएस के मेडिकल ऑफिसर हूं, उसके अंडर में भी होम्योपैथी में बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन है। और जो एब्जॉर्प्शन होता है एलोपैथी से ज्यादा ही होता है, आयुर्वेदी से ज्यादा ही होता है, क्योंकि आयुर्वेदी पास आउट कम होते हैं, उसका रेशियो मेंटेन करने के बाद हम लोग होम्योपैथी में ज्यादा लेते हैं। तो आफ्टर एमपीएच और एक कोर्स होता है एमबीए, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये कोर्स मैंने भी किया हुआ है। ये कोर्स आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रेगुलर भी कर सकते हैं, डिस्टेंस में भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एमबीए। इसके बाद भी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल, अगर आयुष ग्रेजुएट रहे, बीएचएमएस रहा या बीएएमएस रहा, उसके बाद अगर कोई एमबीए या एमपीएच कर लेता है तो डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट बनने में उसको सुविधा रहता है, उसका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ अथॉरिटी, या स्टेट लेवल कंसल्टेंट भी कभी कभी लिया जाता है, उसका पोस्ट थोड़ा मिनिमम है लेकिन बहुत ज्यादा सैलरी है, ये सब गवर्नमेंट सेक्टर का है। लेकिन एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का प्राइवेट में बहुत डिमांड है, किसी भी हॉस्पिटल में छोटा से लेके बड़ा मैनेजर स्टार्टिंग से लेके एंड तक आजकल एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाला ही होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। और वहां पे बीएचएमएस या बीएएमएस अगर आपका रहे तो बहुत इजी रहता है। इतने सारे पोस्ट है गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट जितने भी है, सबको मैंने सब कुछ मैंने बता दिया। अगर आप लोगों का क्वारी रहा तो जरूर हम लोगों को पूछिए, जरूर मुझको पूछिए, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए, मेरे ये स्क्रीन के दिखाए ऊपर दिखाए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर में जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। उसके बाद आप डायरेक्ट मुझको फोन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस पेशेंट है तो लॉन्ग डिस्टेंस आप है तो जरूर व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट कीजिए, विद इन 24 आवर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बट बहुत सारे क्वेरीज मेरे पास आते हैं, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज बुरा है, एनईटी स्कोर इतना हुआ। देखिए कौन सा कॉलेज अच्छा है बुरा, ये आप करंट जो न्यूजेस है, मार्किंग्स है कॉलेज के गूगल्स में, उसमें जाके आप अच्छा से देख सकते हैं। लेकिन हम लोग कॉलेज अच्छा है और कौन सा कॉलेज बुरा है इसके बारे में गूगल में सर्च करना आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रेंड पलटता रहता है। और ये जो भी स्टेट का है वहां का एक्सपीरियंस कोई डॉक्टर या कोई भी आपका होम्योपैथी से रिलेटेड व्यक्ति आपको अच्छा मेरे से गाइड दे सकेगा। तो प्लीज आप ये क्वेरी, कौन सा कॉलेज अच्छा है यानी कि कितना स्कोर होने पर कौन सा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ये आप गूगल में देख लीजिएगा। बट स्कोप के बारे में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है होम्योपैथी में आफ्टर पासिंग बीएचएमएस या एमडी या पीएचडी, ये मैं आपको जरूर हेल्प कर सकूंगा। और प्रैक्टिस कैसे करना है होम्योपैथी पास आउट करने के बाद बीएचएमएस या एमडी, प्रैक्टिस में कैसे सक्सेसफुल होना है, इसके बारे में मैं सब्सिक्वेंट और भी वीडियो आपको देता रहूंगा। और जो भी बीएचएमएस कोर्स के रिगार्डिंग आपको मतलब करने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, करने में आपका क्या फ्यूचर है, इसके बारे में अगर जो मैंने लास्ट वीडियो बीएचएमएस वर्सेस बीएएमएस और ये जो वीडियो स्कोप आफ्टर बीएचएमएस, ये दोनों में बताया है, इसके सिवा जो कोई भी क्वेरी रहे तो जरूर कीजिए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, अगर कोई भी बीएचएमएस करना चाहता है ऐसा स्टूडेंट है तो आप शेयर कर सकते हैं। एक पॉइंट में मेरा छूट गया है ये वीडियो में कि आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन या क्वेरी मेरे पास आए हैं कि प्राइवेट में कितना सैलरी मिलता है होम्योपैथी। देखिए प्राइवेट में अगर आप कोई भी कॉलेज में डेमोन्स्ट्रेटर या प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, वहां पे भी
सैलरी का कोई फिक्स नहीं है, जैसे हम लोगों के देश में कॉरपोरेट या किसी भी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में सैलरी का कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है। तो होम्योपैथी में भी कॉलेजेस के सिवा आप क्लिनिक्स, मल्टी क्लिनिक, मल्टी क्लिनिक, पॉली क्लिनिक, ये सब में भी होम्योपैथी डॉक्टर्स एब्जॉर्ब होते हैं। ब्यूटी थेरापी या ट्राइकोलॉजी सेंटर्स में भी होम्योपैथी डॉक्टर्स एब्जॉर्ब होते हैं। वहां पे आपका सैलरी या प्राइवेट कॉलेजेस में आपका जो सैलरी है 20,000-25,000 पर मंथ से लेकर 1.5 लाख तक पर मंथ भी है। आप कौन से पोस्ट में है, कितना आप आउटपुट देते हैं, कितना बिजनेस देते हैं ऑथोरिटी को, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्राइवेट सैलरी ऐसा ही होता है, हर स्ट्रीम में जैसा है, हम लोगों में भी वैसा ही है। और इसके बाद और एक आता है एब्रोड जाने का, क्या आपका, देखिए होम्योपैथी का जो डिग्री है मेडिकल प्रैक्टिस के लिए, ये यूरोप और अमेरिका में एक्सेप्टेबल नहीं है। खाली होम्योपैथी ना, होम्योपैथी का नहीं, आयुर्वेदिक का भी जो है, या यूनानी का भी, BUMS या BAMS, वो भी यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री में एक्सेप्टेबल नहीं है। बल्कि अमेरिकन कंट्री में कोई भी MBBS अगर हम लोगों का देश का जाना जाता है तो बहुत सारे एग्जाम देके क्लियर होके वहां पे मेडिकल प्रैक्टिस का या नौकरी का आपको फैसिलिटी मिलता है। लेकिन अगर कोई आफ्टर BHMS या MD मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, अच्छा कोई इंस्टीट्यूट से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, और MBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर लेता है कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो उसका जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है प्राइवेट सेक्टर में, खास करके ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जान पहचान वाले जो किसी भी ड्रग कंपनी या हॉस्पिटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटल इक्विपमेंट इंडस्ट्री या कोई भी मेडिकल, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैनेजरियल पोस्ट में है, अच्छा सैलरी है, बहुत अच्छा करियर है उनका, लेकिन वो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड हुआ, वहां पे डॉक्टरी का कोई बात नहीं है, वहां पे BHMS आपका एक मेडिकल ग्रेजुएट डिग्री के हिसाब से काम करेगा। इसके जॉब अपॉर्चुनिटी एब्रोड में बहुत सारे है। और एक है जो हम लोगों का अरेबियन कंट्रीज है या बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब जो है, नेपाल, यहाँ पे कॉलेजेस में, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में होम्योपैथी में इंडिया का डिग्री एक्सेप्टेबल है। जो इंडिया में स्कोप है वहां पे भी स्कोप है, और कोई अगर जाना चाहे तो वहां पे भी अच्छा सैलरी मिल जाता है। वहां पे इंडिया का होम्योपैथी का, इंडियन होम्योपैथी जो डॉक्टर्स है बहुत रेस्पेक्टेबल है। लेकिन कुछ भी कीजिए, खाली कोर्स आपको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पे। तो प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल टू नो अबाउट फ्यूचर ऑफ होम्योपैथी, स्कोप ऑफ होम्योपैथी, एंड प्लीज लाइक माई फेसबुक पेज होम्योपैथी लाभार्स फॉर एवरीथिंग अबाउट होम्योपैथी एंड हेल्थ केयर टिप्स। थैंक यू, नमस्कार।